योगी सरकार की कैबिनेट बैठक का सुबह 9:30 बजे होगी कैबिनेट बैठक। लोकभवन में होगी कैबिनेट बैठक। कैबिनेट बैठक में बजट पर होगा अनुमोदन। यूपी विधानसभा में आज पेश होगा पूर्ण बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे करीब 6,10,00,000 का बजट। यूपी विधानसभा में अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा पेश। बजट में नई योजनाओं को शुरू करने के लिए होगा प्रावधान। बजट में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का होगा प्रावधान। मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी समेत सभी विकास योजनाओं की भी प्रावधान। बजट पेश होने से पहले सीएम योगी का ट्वीट। प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित लोक कल्याणकारी बजट। उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बना डबल इंजन की सरकार। यूपी में 2 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग उपचुनाव का ऐलान किया। 23 जून को वोटिंग, 26 जून को काउंटिंग। यूपी में 2 सीटों पर होगा लोकसभा चुनाव। रामपुर आजमगढ़ सीट पर होगा उपचुनाव। अखिलेश यादव ने छोड़ी थी आजमगढ़ की सीट। आजम खान ने छोड़ी थी रामपुर की सीट। यूपी में एमएलसी चुनाव की तारीख का ऐलान। 20 जून को होगी वोटिंग और काउंटिंग। यूपी की 13 एमएलसी सीटों पर होगा चुनाव। 2 जून को 9 जून तक होगा नामांकन। यूपी विधानसभा में समाजवादी विधायकों की भाषा पर भड़के सीएम योगी। कहा सदन में मर्यादित भाषा का रखा जाए ख्याल। विधानसभा में सत्ता पक्ष और पक्ष की तीखी टकरार। सदन में बोल रहे केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश ने खड़े होकर किया तूतड़ा। सदन की मर्यादा तारा। विधानसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले अखिलेश सिर्फ ट्वीट करते हैं। पूछा जब सरकार में थे तब गरीबों के लिए क्यों नहीं किया था। विधानसभा में अखिलेश यादव, युवाओं को नहीं मिल रहा रोजगार। मिड डे मील योजना में घोटाले का लगाया आरोप। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। यूपी में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहा अपराध। ये सरकार चला रहे अधिकारी। कहा बीजेपी में सिर्फ नफरत और भ्रष्टाचार। वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी मामले पर आज फिर सुनवाई। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत होगी सुनवाई। जिला जज की कोर्ट तय करेगी श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है या नहीं। ज्ञानव्यापी का गुंबद तोड़ने वाली याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। 30 मई को हर रोज होगी ज्ञानव्यापी पर सुनवाई। ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पहले सुनवाई होगी। कोर्ट ने कमीशन रिपोर्ट पर दोनों पक्षों से मांगी आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट में 1991 के प्लेसेस ऑफ वॉशिंग एक्ट को चुनौती। स्वामी जितेंद्रनंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बोले स्वामी जितेंद्रानंद, ये एक्ट धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रहार है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में भी आज सुनवाई। श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में याचिकाकर्ता अपनी दलील रखेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की 31 मई को होगी सुनवाई। 13.37 एकड़ भूमि के मामले में 7 छात्रों और 4 वकीलों ने की थी याचिका। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के कोटे से जाएंगे राज्यसभा। अखिलेश यादव की मौजूदगी में दाखिल किया गया नामांकन। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले कपिल सिब्बल, 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कपिल सिब्बल के नामांकन पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा कपिल सिब्बल अच्छे आदमी है, राज्यसभा में एक हेल्दी व्यक्ति का होना जरूरी। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार जावेद अली ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। इस दौरान रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर 30 मई को होगी सुनवाई। लखनऊ बेंच में जमानत अर्जी पर सुनवाई। किसानों ने फाइल किया काउंटर एफिडेविट। नोएडा में दिल्ली पुलिस का फर्जी एएसआई अरेस्ट। आरोपी के पास से दिल्ली पुलिस की वर्दी बरामद। पानीपत का रहने वाला है आरोपी राहुल शर्मा। गैंगस्टर विकास दुबे के रिश्तेदारों पर कसा शिकंजा। कल्याणपुर और शास्त्री नगर में 2 प्लॉट कुर्क। बिकरू कांड का मुख्य आरोपी था विकास दुबे। आजमगढ़ में शराब माफिया उमाकांत यादव पर शिकंजा। मिलावटी शराब की जिले में करता था सप्लाई। उमाकांत का गैंग D90 के नाम से रजिस्टर। लखनऊ में फिल्म देहाती डिस्को का विरोध। हिंदू महासभा का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन कर डीएम को सौंपा ज्ञापन। फिल्म पर रोक लगाने की मांग। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप।
कानपुर में अवैध कब्जों पर चले 10 बुलडोजर, 50 पक्के मकानों को किया गया ध्वस्त, लगभग 200 करोड़ की कीमत से ज्यादा की सरकारी जमीन कब्जा। फतेहपुर में अवैध कब्जे पर गर्जा बुलडोजर, सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त, भूमाफिया आबिद हसन ने किया था अवैध कब्जा। जालौर में सार्वजनिक शौचालयों पर मुगल शासकों के नाम लिखे जाने का मामला, दो युवकों पर मुकदमा दर्ज, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आगरा में जीएसटी की बड़ी कार्रवाई, एक साथ 22 ठिकानों पर छापेमारी, 22 टीमों ने की छापेमारी, बड़े गुटखा कारोबारियों के यहां छापे। शाजापुर में 3 अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 5 बंदूक राइफल 10 तमंचा भी बरामद, अवैध हथियार बनाने के उपकरण बरामद। सहारनपुर में भूमाफियाओं के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, तालाब की जमीन पर कब्जा करके किया था निर्माण, प्रशासन ने खाली कराई 8 बीघा जमीन। शाजापुर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, अतिक्रमण करने वालों का सामान जब्त, अस्थायी निर्माण को बुलडोजर से गिराया, कार्रवाई से पहले जारी किया था नोटिस। बलिया में प्राथमिक विद्यालय पर दबंगों का कब्जा, कब्जा कर स्कूलों को बनाया भूसे का गोदाम, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। फतेहपुर में साफ सफाई और पेयजल के नाम पर घोटाला, जिला पंचायत राज अधिकारी ने जांच के आदेश दिए, सचिव ने 3 दिन में रिपोर्ट की तलब, प्रधान पर रिश्तेदारों को रुपए ट्रांसफर करने का आरोप। जालान में पिकअप और डंपर की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 की मौत, नौखाल बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा। नोएडा में पुलिस से रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार, घर से घुसकर बच्ची के साथ दरंगी का आरोप। उन्नाव में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण के चलते आए दिन लगता था जाम, अधिकारियों ने दुकानदारों को दी चेतावनी, 10 दिन में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी। जालान में डग्गामार बस नियमों को उड़ा रही धज्जियां, सीएम योगी के निर्देश के बावजूद सड़कों पर दौड़ रही डग्गामार बसें। रायबरेली में छात्र चोरों का गैंग गिरफ्तार, 12 लाख के आभूषण और 4 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद, पुलिस ने गैंग के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, अतिक्रमण करने वालों को दी गई चेतावनी, कई दुकानों पर लगाए गए लाल निशान। नोएडा में स्टंटबाजी का शौक, युवक को पड़ा भारी, जीप पर स्टंट करने वाला युवक गिरफ्तार, थार जीप पर स्टंट का वीडियो हुआ वायरल। मिर्जापुर में 16 साल पहले 4 लोगों की हत्या का मामला, पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, प्रसाद ने लोगों को खिलाया था जहर, गुजरात के सूरत से गिरफ्तार। बांदा में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने शुरू किया आमरण अनशन, 1-1 किलोमीटर दूर से पानी लाने की मजबूर है गांव के लोग। ग्रेटर नोएडा में इको विलेज, 2 सोसाइटी के शाफ्ट में 2 बच्चों के गिरने का मामला, OCCC के बिना बिल्डर ने दिया पोजीशन, प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर 3 दिन में मांगा जवाब। गाजियाबाद में लीगल हथियार डीलर गिरफ्तार, दुकान पर अवैध हथियारों की हो रही बिक्री, अपराधियों के हथियार किए जा रहे हैं रिपेयर। प्रयागराज में प्रेमिका के घर पर प्रेमी की गोली मारकर हत्या, प्रेमिका भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल। कानपुर में 8 साल के बच्चे ने VIP रोड पर संभाली यातायात व्यवस्था, लोगों को ट्रैफिक नियमों को लेकर किया जागरूक। यूपी के बुलंदशहर में हॉस्पिटल स्टाफ और मरीज के तीमारदारों में जमकर मारपीट, महिला मरीज को इंजेक्शन लगाने के दौरान दर्द होने पर हुआ विवाद, वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में युवक ने नंदी में लगाई छलांग, पारिवारिक विवाद में आत्महत्या की कोशिश, पुलिस और मौजूद लोगों ने युवक की बचाई जान, सीढ़ी के सहारे युवक को बाहर निकाला। गाजियाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, गाड़ी में जलकर 2 लोगों की मौत, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गाड़ी पलटने से लगी थी आग। सोनभद्र में अतिक्रमण के नाम पर एक भी घर खाली कराए जाने पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने दी आत्मा करने की धमकी। सहारनपुर में तालाब पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा, कब्जे के विरोध में ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, ग्रामीणों ने आमरण अनशन का किया ऐलान, ग्राम प्रधान ने पुलिस पर लगाए संरक्षण के आरोप। मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, मुठभेड़ के बाद हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ घायल, पुलिस से बरामद किया तमंचा कारतूस और बाइक। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया आत्महत्या, खुद को गोली मारकर किया सुसाइड, मामले की जांच में जुटी पुलिस। देहरादून में 2024 की तैयारी में जुटी उत्तराखंड बीजेपी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने की वर्चुअल बैठक, सभी सांसद और विधायक बैठक में वर्चुअली हुए। सीएम धामी के लिए सीएम योगी करेंगे 28 मई को टनकपुर में जनसभा, सीएम धामी चंपावत से लड़ रहे हैं उपचुनाव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के पाकू में की पूजा अर्चना, कोटा गाड़ी मंदिर में किए दर्शन। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक रिकॉर्ड 1,82,000 से ज्यादा यात्री कर चुके हैं दर्शन।
चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 59 श्रद्धालुओं की मौत। अब तक चारधाम में 9.5 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। बद्रीनाथ में 12, केदारनाथ में 34, गंगोत्री में 19 श्रद्धालुओं की मौत। केदारनाथ में पिछले 7 घंटे से हो रही बर्फबारी। धाम का अधिकतम तापमान 8 डिग्री और न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। टिहरी में बोलेरो गाड़ी खाई में गिरी। हादसे में बोलेरो सवार 6 लोगों की मौत। NH-94 चंबा धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा। उत्तरकाशी से चंबा आते वक्त हुआ हादसा। टेरर फंडिंग मामले में आतंकी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा। दिल्ली के NIA कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। आतंकी यासीन मलिक पर कोर्ट ने लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। आपराधिक षड्यंत्र के मामले में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। श्रीनगर में यासीन मलिक के घर के बाहर बवाल। भीड़ ने सुरक्षा पर बलों पर पत्थरबाजी की। यासीन मलिक के समर्थक में भी नारेबाजी। सुरक्षा बलों ने पत्थरबाजों पर दागे आंसू गैस के गोले। यासीन मलिक के समर्थकों को किया तितर बितर। श्रीनगर में प्रशासन ने इंटरनेट सेवा की बंद। यासीन मलिक पर सजा के ऐलान के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। आतंकी यासीन मलिक को उम्र कैद मिलने के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। यासीन मलिक के जलाए पोस्टर, लोगों में मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में प्रिंटिंग प्रेस के गोदाम में लगी भीषण आग। आसमान में उठाए धुएं का गुब्बार। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के दौसा में अतिक्रमण हटाने पर दस्ते पर पथराव। जेसीबी के शीशे फोड़े। हंगामे के चलते दस्ते को बैरंग लौटना पड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर में आपदा के समय घायलों की जान बचाने के लिए किया मॉकड्रिल। त्रिवेणी इंजीनियर एंड इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में NDRF और SDRF ने की मॉकड्रिल। जयपुर में बदमाशों का आतंक। 3 थाना इलाके में 1.5 दर्जन लग्जरी कारों की जमकर की तोड़फोड़। 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। यूपी के अमेठी में तेज रफ्तार बोलेरो ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल। CCTV में कैद हुई पूरी घटना। राजस्थान के नागौर में दामाद की जूते चप्पलों से पिटाई। ससुराल वालों ने जूतों की माला पहनाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों से चाकू की नोक पर लूट। CCTV कैमरे में लुटेरा हुए कैद। बिहार की मोतिहारी में बेखौफ बदमाश। दाड़े ज्वेलरी की दुकान में 1 करोड़ से ज्यादा की लूट। दुकानदारों पर की फायरिंग। CCTV में कैद वारदात। मध्य प्रदेश के सीहोर में स्कूल में अजगर दिखने से मची अफरा तफरी। ग्रामीणों की मदद से वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच PM रानिल विक्रम सिंघे ने संभाली वित्त मंत्रालय की कमान। अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर लाने के लिए IMF से करेंगे आर्थिक सहायता की बात। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर का बड़ा फैसला। कोरोना की दवा पैक्सलोविड समेत सभी पेटेंट दवाएं कम कीमत पर बेचेगी कंपनी। उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने बनाई सुरक्षा परिषद की बैठक। राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च को बताया उकसावे की कार्रवाई। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने की लाइव फायर मिसाइल ड्रिल। बाइडेन के एशिया दौरे से लौटने के बाद उत्तर कोरिया ने दागी 3 मिसाइलें। टेक्सास फायरिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन। देश में बंदूक को लेकर बने कानूनों का जिक्र करते हुए कहा हमें गन लॉबी के खिलाफ खड़े होने की जरूरत। मेक्सिको के सिलाय शहर में फायरिंग। 2 अलग अलग बार में चली गोलियां। जानकारी के मुताबिक गोलीबारी में 8 महिलाओं समेत करीब 11 लोगों की मौत। रूस के साथ साझा युद्धाभ्यास पर चीन का बयान। युद्धाभ्यास का मकसद दोनों देशों की वायुसेना के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना। ये किसी देश पर निशाना नहीं था। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों के साथ संघर्ष के दौरान एक फिलिस्तीनी की मौत। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। इजरायली सैनिकों ने किशोर के सिर में मारी गोली। नाटो की सदस्यता पर चर्चा करने के लिए टर्की की फिनलैंड का प्रतिनिधिमंडल। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने को लेकर टर्की ने जताया था विरोध। कलाकार ने एक साथ बनाए 5 सुपरहीरो। एक लंबी डंडी से जुड़े 5 पेन और बनाई अनोखी तस्वीर। आर्टिस्ट का वीडियो हुआ वायरल। स्पाइस जेट की फ्लाइट अटेंडेंट के साथ बंगाली अभिनेत्री मोनामी घोष ने किया डांस। कोलकाता हवाई अड्डे पर अभिनेत्री के साथ फ्लैश मॉब में शामिल हुए एयर होस्टेस का वीडियो वायरल।
इंसान और शेरों के बीच के जबरदस्त बॉन्डिंग, स्विमिंग पूल में कई शेरों के बीच दिखा शख्स और जब पूल में कूदा तो ये देखकर शेरों ने भी छलांग लगाई। लंगूर और लड़के के बीच जंगल में हुई हाथापाई, लंगूर को उठाकर फेंकने की कोशिश में लगा लड़का, काफी देर तक दोनों में लड़ाई चलती रही लेकिन अंत में बाजी लड़के के हाथ। बीच सड़क पर बाइक सवार को स्टंट पड़ा महंगा, सामने से आ रही बाइक से टक्कर, बाइक सवार को लगी गंभीर चोट। बोपन्ना मिडिल कूल में जॉडी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंची, पहले दौर के मुकाबले में भारत और नीदरलैंड की जोड़ी ने वेमॉर्ड वेनबर्ग और लुका बेन एशी की जोड़ी को हराया। आईपीएल 2022 में रॉयल चैलेंजर्स की बेंगलुरु क्वालिफायर 2 में पहुंची, एलिमिनेटर में लखनऊ को 14 रन से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रनों का स्कोर बना, जवाब में लखनऊ सुपर जॉइंट 71 रन ही बना पाए। आरसीबी के बल्लेबाज रजत पाटीदार ने लगाया सीजन का सबसे तेज शतक, लखनऊ के खिलाफ खेली नाबाद पारी। ब्रिटिश सरकार ने फुटबॉल क्लब चेल्सी एफसी की बिक्री को मंजूरी दी, ब्रिटेन ने जारी किया लाइसेंस। फिल्म पृथ्वीराज के प्रमोशन में जुटे अक्षय कुमार और मनीषी छिल्लर, 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म।